तो यार अपना डीएसए कोर्स स्टार्ट हो चुका है दूसरे वाले चैनल पे। और यार जो रिस्पांस आया है ना भाई साहब, मज़ा आ गया देख करके। मतलब मुझे लग रहा था यार पढ़ाई वाली वीडियोस हैं, थोड़ा कम रिस्पांस आएगा, स्लो होगा, लेकिन जो रिस्पांस आप लोगों ने दिखाया है ना, अमेजिंग। मुझे मज़ा आ गया, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। वीडियोज़ को अच्छे से देखो, फॉलो करो। बस ये है कि यार इसी कंसिस्टेंसी को और इसी मोटिवेशन को एंड तक लेकर के जाना, ताकि आप लोगों की प्लेसमेंट स्मूथली हो पाए, वहां पर जाके कुछ हेक्टिक ना हो। अभी टाइम है हम लोगों के पास, बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं एक शीट लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शीट है, विच इज गोइंग टू कवर एवरी थिंग दैट यू नीड फॉर दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू। ठीक है, मतलब ये एक इंटरव्यू का एक पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि इंटरव्यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यार हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होता है, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सेमेस्टर्स, या बिकॉज ऑफ उनकी ब्रांच नहीं होती है, मतलब सॉफ्टवेयर वाली या कंप्यूटर वाली उनकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच होती है, उन्होंने नहीं पढ़ा होता है। तो उन्हीं के लिए बहुत ही अच्छा 100% कंप्लीट रिसोर्स है ये। इसमें क्या क्या कवर होगा अभी बात करते हैं उसकी। लेकिन यार जिसको नए चैनल के बारे में नहीं पता, जहाँ पर हम लोग डीएसए वगैरह कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू गो टू द चैनल। चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के एक बार देखो। रिकर्जन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और लेक्चर्स की क्वालिटी मैं अप टू द मार्क रख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। और मेरे को फीडबैक्स मिलते जाएंगे और मैं उसके अकॉर्डिंगली इंप्रूव करता जाऊंगा। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया स्मूथली सब कुछ चल रहा है। मेक श्योर टू चेक इट आउट, अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की इंटरव्यूज के लिए। अब इस शीट की इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इस शीट में मैंने इंक्लूड किए हैं टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यार, हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें टॉपिक्स भी देखने हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स A to Z, मतलब ऐसा नहीं है कुछ छूट गया हो और ऐसा भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा आ गया हो। सारे टॉपिक्स टू द पॉइंट मैंशन है, टॉपिक्स मैंशनड है, उनके सामने उनको पढ़ने का एक क्रिस्प सा रिसोर्स मैंशनड है। अब यार यहाँ पर जावा वाले भी लोग होते हैं, C++ वाले भी लोग होते हैं, तो दोनों के ही अलग अलग रिसोर्स दे दिए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे फेवरेट, उनको सिर्फ वीडियोस देखना पसंद होता है, पढ़ना पसंद नहीं होता है, उनके लिए वीडियो के रिसोर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिक्वेंशली फॉलो करनी है ये वाली शीट। अब मैं शीट पर जाकर ही बता भी दूंगा कि कैसे आप लोग इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं शीट का। ठीक है, अनबॉक्सिंग करेंगे शीट की, लेकिन उससे पहले यार यहाँ पर आप लोग इस सेमेस्टर के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बेसिकली, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन की है शीट फॉर इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ में आपको 100% ही हेल्प करेगी, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और रिसोर्स भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इस शीट को करने में, मतलब करने वाले 2 दिन में भी कर लेंगे, लेकिन आपको करने में 5-6 दिन मैक्सिमम उतने ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ऑल राइट, ठीक है। अब यार एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, कोडिंग निंजाज एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, जहाँ पर आप लोगों को अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप लोग भी टेस्ट वगैरह दे देना, क्या पता आपकी भी 100% स्कॉलरशिप लग जाए और आपको भी फ्री में कोर्सेज मिल जाएँ। अब यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहाँ पर जाके आप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 25 और 26 तारीख, 25 और 26 आर द डेट फॉर द टेस्ट। यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योर सेल्फ। 48 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि डिस्काउंट के बाद मिलती है आपको। तो नीचे दी गई लिंक पे जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये टेस्ट बहुत सिंपल होता है, एप्टी क्वेश्चन होते हैं, 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं इसमें बस। तो वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेना, बाकी आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उनका बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है, दैट इज़ द टी ए सपोर्ट। मतलब लेटर से आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं करते करते, ठीक है, स्टक हो जाएंगे, तो आप लोगों को निकालने के लिए, मतलब उस परेशानी से निकालने के लिए टीए सपोर्ट अवेलेबल होता है 1-on-1। तो यार एक बंदा आएगा, आपको 1-on-1 सपोर्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखेगा और आपको वहाँ से मुक्ति दिलाएगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट द कोर्सेज, काफ़ी प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, वेल स्ट्रक्चर वेल डिजाइन कोर्सेज होते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के टेस्ट दे दो, बढ़िया से स्कॉलरशिप निकाल लो, उसके बाद मन हो तो कोर्स ले लेना। ठीक है, तो यार आप चल करके अपनी शीट को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है हमारी शीट, आपको दिख रहा होगा सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशनड हैं, और टॉपिक के सामने यहाँ पर है C++ का पढ़ने वाला सेक्शन, जहाँ से आप C++ के इस टॉपिक को C++ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा रिसोर्स होगा ये, मतलब टू द पॉइंट होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, फिर एग्जाम्पल होगा इस तरीके से। और सिमिलरली जावा का भी यहाँ पर रिसोर्स दे दिया गया है सारे के सारे टॉपिक्स के लिए, और कुछ उन आलसी लोगों के लिए जो नहीं पढ़ना चाहते हैं मेरे जैसे, उनके लिए यहाँ पर वीडियो रिसोर्स दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अब सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं A to Z। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग यहाँ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो कि आपको ज़्यादा जल्दी बुक्स वगैरह में तो नहीं मिलते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके सामने इनका रिसोर्स दे दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, काफी सारे एमसीक्यूज हैं स्टार्टिंग के, बस तीन कर लेना आप लोग स्टार्टिंग के, तीन सेक्शन कर लेना आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यूज हैं इसमें बेसिकली, ये आपके ऑनलाइन राउंड में आते हैं, जो फर्स्ट राउंड होता है ना बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, इसमें कोडिंग क्वेश्चन होता है, देन उसके बाद कुछ एमसीक्यूज होते हैं, तो उनमें आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो ये भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। 100% कंप्लीट हो जाएगी तैयारी, गारंटीड फ्रॉम दिस शीट। और जो लोग सेमेस्टर के लिए इस शीट को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, उनको थ्योरी वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द शीट, बाकी इस तरीके की शीट में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए लाने की सोच रहा हूँ, बिकॉज इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, आपको ना ही तो कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, ना ही तो कोई बहुत बड़ी सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी यूट्यूब पे, तो मतलब काफ़ी टाइम आपका सेव होने वाला है इससे, दैट्स वाई बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी शीट आ जाएंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है ना, तो एक कमेंट जरूर कर देना और मेरे को बताना क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं और क्या और रिक्वायरमेंट है आप लोगों की फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन। मेरे दिमाग में बस अभी प्लेसमेंट सीजन ही है आगे का, तो सारा का सारा कंटेंट उसी के अराउंड लाने वाला हूँ इन दीज टू मंथ्स, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ पर नए हैं तो, और दूसरा वाला जो चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।